हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आशु टॉक्स। गाइस आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है टीसीएस की तरफ से। अगर आपने टीसीएस एनक्यूटी या तो टीसीएस निंजा की एग्जाम दी हो रिसेंटली तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आ रही है कि टीसीएस ने जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया आप सभी के लिए। भले ही वो टीसीएस एनक्यूटी का रिजल्ट हो या तो टीसीएस निंजा के रिजल्ट हो, दोनों के ही रिजल्ट जो है वो अनाउंस हो चुके हैं आप सभी के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्कोर कार्ड से रिलेटेड कि आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ या नहीं हुआ है, किस तरह से आपको चेक करना है। एंड सेकंड पॉइंट आता है इंटरव्यू डेट, तो क्या आपका इंटरव्यू कब शेड्यूल होने वाला है, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, सभी चीज हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। टीसीएस निंजा एंड टीसीएस एनक्यूटी से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी सभी का वीडियो हमारे चैनल पर आपको देखने मिल जाएगा, वो भी सबसे पहले इंटरव्यू प्रिपरेशन से लेके एंड तक के आपका सभी चीजें डॉक्यूमेंट अपलोड सभी चीजें हम हमारे चैनल पर बताने वाले। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो आपको कुछ इस तरह का मेल देखने मिल जाता है टीसीएस की तरफ से, टीसीएस निंजा हायरिंग सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस। अगर आपका टीसीएस एनक्यूटी होगा तो यहाँ पे आपको एनक्यूटी देखने मिल जाता है, सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस इस तरह का आपको मेल देखने मिल जाता है, ग्रीटिंग फ्रॉम टीसीएस, ट्रस्ट यू आर डूइंग गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेशन मेल अगर आपको देखने मिल जाता है इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपने जो एग्जाम है वो क्रैक कर लिए। ओके वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट बेसिस योर परफॉर्मेंस इन टीसीएस एनक्यूटी इन निंजा हायरिंग यू विल बी इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू विद टीसीएस। इसका मतलब ये है कि आपने जो असेसमेंट दिया था, आपने जो कॉग्निटिव एग्जाम एंड कोडिंग एग्जाम दी थी उसके बेसिस पे आपका जो एग्जाम है वो क्रैक हो चुका है, आपने कट ऑफ क्रॉस कर लिया है। ओके द रीजनल टीसीएस कैंपस टैलेंट एक्विजिशन टीम वुड बी सेंडिंग यू एन ईमेल शॉर्टली ऑन द इंटरव्यू शेड्यूल। प्लीज नोट दैट इंटरव्यू इन्वाइट विल बी सेंड सब्जेक्ट टू योर मीटिंग द टीसीएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काइंडली बी इन्फॉर्म दैट द एलिजिबिलिटी चेक विल बी डन एट मल्टीपल स्टेजेस ड्यूरिंग द हायरिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन किया है कि आपका जो असेसमेंट है वो आपने क्रैक कर लिया है, क्लियर कर लिया है। इसके बाद आपको जो रीजनल टीसीएस कैंपस टैलेंट एक्विजिशन टीम होने वाली है, मतलब टीसीएस की जो टीम होने वाली है आपके रीजन की, आप जो स्टेट से बिलोंग करते हो, वो आपको इंटरव्यू शेड्यूल का मेल सेंड करने वाली है गाइज। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बताया गया इंटरव्यू शेड्यूल मेल सेंड करने वाली है, लेकिन टाइम टू टाइम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक किया जाएगा कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए, इस इंटरव्यू प्रोसेस के लिए, इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर आप एलिजिबल नहीं रहोगे तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो, आपके परसेंटेज प्रॉपर है, सभी चीजें प्रॉपर है, तो आपको सिलेक्शन मेल भेज दिया जाएगा। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर मेंशन किया गया कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल कर दिया जाएगा, तो जल्दी से जल्दी आपको इंटरव्यू शेड्यूल का भी मेल आ जाएगा जहां पर आपको इंटरव्यू की लिंक, इंटरव्यू का टाइम और आपको सभी डिटेल्स, लॉगिन डिटेल्स से लेकर सभी चीज मेंशन कर दी जाएंगी। तो कुछ इस तरह से अभी का अपडेट आ जाता है आप सभी के लिए टीसीएस की तरफ से, इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है इसे लेकर सभी चीज में आपको हमारे चैनल पर देखने मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेटेड रहिए गाइस। स्कोर कार्ड की बात कर ली जाए तो हमेशा जो है वो स्कोर कार्ड रिलीज करती थी, टीसीएस ने इस बार स्कोर कार्ड रिलीज नहीं किया है, सिंपली आपको सिलेक्शन मेल भेजा है कि आप सिलेक्ट हो चुके हो। ओके सो स्कोर कार्ड अभी आपको नहीं देखने मिल रहा है कि आपको कितना स्कोर आया है। सेकंड बात की जाए इंटरव्यू डेट की, तो जैसे कि मैंने आप सभी को बता दिया कि आपको इंटरव्यू का मेल आने वाला है, इंटरव्यू आपको बता दिया गया है कि आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए हो, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल मेल जल्दी आपको देखने मिल जाएगा। आई होप आपको सभी चीज समझ में आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस यूट्यूब वीडियो टिल दी एंड।